नमस्कार दोस्तों, कैलीग्राफी का शौक किसे नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि अपने बनाए हुए शब्दों को वो अपने तरीके से सजाए, मगर ये खूबसूरत कैलीग्राफी बनती है एक सिर्फ एक एंड्रॉयड फोन से और एक छोटी सी एप्लीकेशन से। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में बहुत सारे आइडियाज हैं। टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, आप अपने हाथों से ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप उसमें कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर भी अपने मन चाहे तरीके से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी सीखिए ऐसे खूबसूरत कैलीग्राफी बनाने के लिए और अपने दोस्तों को चौंकाइए। और याद रहें, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि हमारा इनॉक्स मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो आइए सीखते हैं कैलीग्राफी ऐसी। नमस्कार दोस्तों, करते हैं शुरू कैलीग्राफी की दुनिया। अपने हाथों से कैलीग्राफी बनाइएगा। यहाँ से आपको ये प्लस आइकॉन दबाना है। बहुत सारी आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। ये सब साइजेस है, आपको साइज जो भी चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये देखो, मैंने एक साइज सिलेक्ट कर ली है। ये कुछ इंटरफेस ऐसा खुला है। नीचे ब्रश के आइकॉन पर आपको क्लिक करना है, ब्रश सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ब्रशेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं। शायद इतने ब्रशेस किसी और एप्लीकेशन में आए। ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है कैलीग्राफी लवर्स के लिए, ठीक है। तो हमने ये एक ब्रश सेलेक्ट कर लिया है। इसको यहाँ से हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं और ये देखिए, यहाँ से हम इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रश मैंने सेलेक्ट किया है अभी, इसको ये मैंने साइज क्लियर कर दी है। अब किस तरह से रखना है मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये कैलीग्राफी करते हैं, देखिए ये सब हो रहा है। मैंने यहाँ पे ओम लिख रहा हूँ मैं, देखिए कितना खूबसूरत लिखा है। तो यहाँ से फिर से एक बार मैंने ये किया है, पोजीशन सेट करता हूँ। ये सबसे बड़ी खासियत है, आप चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपने बनाया है। अब यहाँ से मैंने मोड़ा और भी खूबसूरत लगने लगा है। ये मैंने नीचे ले लिया है, खूबसूरत कम है, चार चांद लग गए हैं। ये मैं सेट कर रहा हूँ जैसा चाहिए वैसा, ये मैंने सेट कर दिया है लगभग। ये और थोड़ा बस, ठीक है, ये सही रहा, ठीक है। तो ये मैंने ओके दे दिया। अब देखो इसको यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑपेसिटी में जाना है, सिलेक्ट ऑपेसिटी ये मैंने। अब यहाँ से कलर में जाना है, कलर सिलेक्ट करते हैं, जो चाहिए मन चाहे कलर आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये देखो ये हो गया। यहाँ से फिर ब्रश में जाना है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा ब्रश सिलेक्ट करना है। ये देखो मैंने एक सिलेक्ट किया है, अब इसको सेट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी स्टाइल से कलर फिलअप करेंगे, ये जो आपने सिलेक्ट किया है उसी में कलर लगेगा, ठीक है। बाहर आपको कोई चिंता नहीं है, बिंदास आप कलर इसमें इंस्टॉल करते रहिए, कलर का इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं और दूसरा एक कलर सिलेक्ट, ये मैंने दूसरा एक कलर सिलेक्ट किया है। अब ये यहाँ से ब्रश की जो थिकनेस है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ा दिए मैंने, विड्थ बढ़ा दी है। ये कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा ये कलर लग रहे हैं इसमें। इतना तो शायद कोई और एप्लीकेशन में आप अपने हाथों से कैलीग्राफी बनाने के लिए खूबसूरत एप्लीकेशन है, इसका मैं नाम आपको दूंगा। ये देखो, ये मैंने और एक कलर सिलेक्ट किया है और ये कलर मैं फिलअप भी कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस तरह से आप अपनी खूबसूरत कैलीग्राफी बनाएंगे। ये यहाँ से ये देखिए, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, अब एक और कलर लेना है ताकि उसको गेटअप आए, ठीक है। उसका जो रहता है, जो शेडो रहता है, ये वो सब हम यहाँ पे करेंगे। किस तरह से करते हैं ये देखिए, इसमें अभी रिमूव सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, ये एकदम हो गया। अभी यहाँ से आपको ये एक बात याद रखनी है, यहाँ पे क्लोन लेयर करना है, ठीक है। ये क्लोन लेयर हो चुका है। अब यहाँ से हमें जाना है वापस वो ब्रश वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एफएक्स फिल्टर ये लेना है। अब यहाँ से मोनो कलर ढूंढना है, अब इसको ब्लैकआउट कर देना है, यहाँ से ब्राइटनेस एकदम कम कर देनी है, ठीक है, एकदम कम कर दी। ये पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम शेडो दिखा सकें। अभी ये जो है उसको ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। नंबर वन पे ब्लैक लेना है, नंबर टू पे हमने जो कलर इस्तेमाल किए हैं वो डालना। अब यहाँ से हम मुंह वाला ऑप्शन वापस ले लेते हैं। अब इसको ड्रैग कर, ये हमने ड्रैग किया,
ये देखिए ये शेडो भी आपके सामने आ गया, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैंने तो कलर यूं ही इस्तेमाल किए हैं, अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी बढ़िया कैलीग्राफी आप बना सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैकग्राउंड में अगर कुछ तो बैकग्राउंड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो ये अगर मैंने हम ऊपर लेते हैं तो इस तरफ का होगा, ठीक है, तो नीचे ही सही था, इसको हम वापस नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। ये देखो ये मर्ज मैंने कर लिया, ये सिंगल अभी हो चुका है, यानी विथ शेडो वाला एक ही इमेज बन चुका है। अब यहाँ से हमें बैकग्राउंड में कुछ इमेज चाहिए बैकग्राउंड रखने के लिए, हम यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेज हमने सेलेक्ट किया, अब इसको अपने दोनों उंगलियों से इसको बड़ा कर दें, जितनी भी साइज आपकी रखनी है उतनी साइज आप बना दें, ठीक है। अब इसको आपको बैक में ये मैसेज आएगा क्योंकि ये अप है, ठीक है, कलर उड़ा देगा। अब इसको बैक डाल दो, यानी ओम वाले को सेकेंड में डालो, जो आपने पहले स्लाइड बनाई है कलर वाली उसको सेकंड में डालो, और ये जो आपने वॉलपेपर रखा वो नीचे ले लो नंबर वन की स्लाइड की। अब इसको वापस मूवमेंट देना है, ठीक है, सेट करना है, ठीक से अच्छे से सेट। ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है आपके सामने है, तो अब इसको वापस मर्ज कर देना है, यानी एक ही बनाना है, ठीक है। तो ये जो है ये कैलीग्राफी आप बना सकते हैं, इसको आप PNG फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप मूवीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको एक्सपोर्ट में। और ये देखिए ये मैं अभी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ठीक है, अब मैंने ये पेंट वाला खोला है, एफएक्स वाला खोला है, यहाँ पे कलर बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कलर बैलेंस भी कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो कर भी सकते हैं आप। तो ये वाला देखिए कि कितना चेंजेस हो रहा है, बहुत ही अच्छा है ये है। का नाम है जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ये देखिए ये उसका नाम है, ठीक है। तो ये अभी मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये मैंने बनाए हुए थे मेरे प्रोजेक्ट, अब यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। इस तरह से करते हैं एक्सपोर्ट, तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। ये देखिए मैंने प्ले करके दिखाया है आपको किस तरह से हुआ था, ये मूवी प्ले करके दिखाया था, ये मैंने पहले भी एक बनाया हुआ था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन अप सो मच।